हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनबीएस यानी नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि विभिन्न टीचिंग एग्जाम्स और अन्य पोस्ट के बारे में है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम मेन मेन पॉइंट्स पर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल के पोस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए टोटल पोस्ट जो हैं वो 12 हैं, जिसमें से जनरल वालों के लिए 7, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1, ओबीसी वालों के लिए 3, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। एज लिमिट की बात किया जाए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर 50 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो एकेडमिक जो है वो आपकी मास्टर डिग्री में 50% अंक होने जरूरी है। 50% से कम अगर मास्टर डिग्री में है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री भी साथ में होना चाहिए। साथ में ध्यान देने की बात है कि प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दी गई है, जिसको आप पढ़ें और उसको देखें। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ टोटल वैकेंसी जो है वो है 397, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे बायोलॉजी के लिए 42, केमिस्ट्री के लिए 55, कॉमर्स के लिए 29, इकोनॉमिक्स के लिए 83। यानी सबसे ज़्यादा जो पोस्ट यहाँ पर देखी गई है वो इकोनॉमिक्स पीजीटी में है। इंग्लिश के लिए 37, ज्योग्राफी में 41, हिंदी में 20, हिस्ट्री में 23, मैथ्स में 26, फिजिक्स में 19 और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर 22 पोस्ट पीजीटी में है। पीजीटी के एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पर 40 साल से कम होना चाहिए। साथ में यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वो नंबर आपके 50% से कम नहीं होना चाहिए। 50% से कम वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है बीएड को लेकर। बीएड को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बीएड पीजीटी में ज़रूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर बता दें कि आपको पीजीटी में बीएड की कोई आवश्यकता नहीं, चाहे आप बीएड किए हुए हो या ना किए हुए हो, सभी लोग एलिजिबल होते हैं पीजीटी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। पीजीटी में जो सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मास्टर डिग्री में के सब्जेक्ट में होना चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। जैसे आप इंग्लिश पीजीटी से अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में होना चाहिए। अगर आप हिंदी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी आपकी मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर सब्जेक्ट्स बताए गए हैं पीजीटी के सब्जेक्ट के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए भी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जो कि टोटल पोस्ट है 683, 683 पोस्ट है टीचर्स के, टीजीटी टीचर्स के लिए। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 144 है, हिंदी के लिए 147 है, मैथ्स के लिए 167 है, साइंस के लिए 101 है, सोशल स्टडीज के लिए 124 पोस्ट यहाँ पर टीजीटी के लिए है। टीजीटी में थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर एनवीएस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से जो लैंग्वेज है वो है आसामीज, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नडा, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। यानी टोटल थर्ड लैंग्वेज के लिए 343 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। एज लिमिट टीजीटी में 35 वर्ष है, यानी 35 वर्ष से कम वाले ही अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो आपके 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, जिसमें से कम आपने 50% मार्क्स से उसको पास किया हुआ हो। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपकी बैचलर ऑनर्स की डिग्री भी 50% के साथ होनी चाहिए। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपकी बीएड डिग्री भी 50% के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं टीजीटी के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप अपना कॉम्बिनेशन देखेंगे कि किस तरीके से आपने आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है। अगर आप है कि एलिजिबिलिटी टीजीटी के लिए है तो आप जरूर इसको अप्लाई करें। साथ में यहाँ पर टीजीटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी बात की गया है, जैसे कि टीजीटी हिंदी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपके 3 साल तक आपकी हिंदी होनी चाहिए। इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके 3 वर्ष तक इंग्लिश जरूरी है वहाँ पर। साथ में मैथ्स के लिए कॉम्बिनेशन बताया गया है, टीजीटी साइंस के लिए भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, टीजीटी सोशल स्टडीज़
के लिए भी कॉम्बिनेशन बताया गया है। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एसएसटी को लेकर कि एसएसटी के लिए उनके ग्रेजुएशन लेवल पर कौन कौन सा सब्जेक्ट हो, तो यहाँ पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। यानी हिस्ट्री के साथ में आपकी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो, या ज्योग्राफी के साथ में हिस्ट्री इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस हो, यानी तीनों वर्ष तक जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। उसके साथ में 2 साल तक वो आपके अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है। सभी टीजीटी की बात किया जाए, जितने भी टीजीटी पोस्ट है उसके लिए सीटेट पास होना जरूरी है, यानी सीटेट पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे। बीएड वहां पर बहुत जरूरी है, बीएड बिना बीएड किए हुए टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ में यहां पर अगर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स की बात किया जाए तो उसके लिए टोटल पोस्ट है 181, जिसमें से म्यूजिक टीचर के लिए 33, आर्ट के लिए 43, पेट मेल यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल के लिए 21, पेट फीमेल के लिए 31 और लाइब्रेरियन की पोस्ट यहाँ पर 53 है। कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है, तो उस चीज को आप देखें और अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से एज रिलैक्सेशन भी बताया गया है कि कितने वर्ष किसको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की बात किया जाए तो 5 ईयर्स का दिया गया है उनको रिलैक्सेशन। अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी ओबीसी के लिए 3 वर्षों का। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है वुमेन्स को लेकर कि वुमेन्स चाहे वो जनरल कैटेगरी की ही क्यों ना हो, उन सभी को एससी एसटी एससी या फिर जनरल सभी वुमेन्स को 10 सालों का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। एनवीएस के एम्प्लॉयज जो रेगुलर एम्प्लॉयज है उनके लिए कोई एज बारी नहीं है, यानी कभी भी वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आप कंटिन्यूअस 3 सालों से जॉब कर रहे हैं तो 5 साल का वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अगर 1 जनवरी 1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच में अगर लोग रह रहे हैं तो उन लोगों को भी 5 सालों का रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में दिया गया है। डिसेबिलिटीज वाले लोगों को भी यानी SC ST कैटेगरी में 15 वर्षों का दिया गया है। ओबीसी वालों के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है और जनरल वालों के लिए 10 सालों का रिलैक्सेशन है। लेकिन ध्यान देना है कि पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऑल कैटेगरीज वुमेन के लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है एज में, वो डिसेबिलिटीज वाली लेडीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो दिव्यांग श्रेणी में ही अप्लाई करेंगी तो उनके लिए 10 वर्षों से अधिक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर बताया गया है एज रिलैक्सेशन के लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम की स्कीम के बारे में कि कितने नंबर का क्वेश्चन किस पोस्ट के लिए रखा गया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिंसिपल के लिए तो प्रिंसिपल के लिए 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से रीजनिंग और न्यूमेरिक एबिलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा जिसमें से 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की इंग्लिश होगी, कुल मिलाकर 20 नंबर होंगे उसके, और एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट से भी 50 क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन 50 पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपका 150 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में टाइम ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का रखा गया है। पीजीटी की बात करें तो पीजीटी का भी पेपर जो होगा वो 150 नंबर का ही होगा, लेकिन जो उनकी मेरिट बनेगी वो 130 में बनेगी। 150 का कुल प्रश्न पत्र लेकिन मेरिट 130 की बनेगी। 20 नंबर का जो क्वेश्चंस होंगे उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश के, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसको सिर्फ नंबर नहीं जुड़ेंगे, और अगर उसको आपने क्वालिफाई किया तभी आपके 130 नंबर के जो प्रश्न हैं उसको चेक किया जाएगा। इसमें भी टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 3 घंटे का दिया गया है। इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होंगे जो कि 10 क्वेश्चंस होंगे, और डोमेन नॉलेज यानी जो जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी को अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो होंगे वो 80 होंगे, यानी 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे।
टीजीटी की बात करें या मिसलेनियस टीचर की बात करें तो उन दोनों का भी पेपर जो होगा वो 150 नंबर का ही होगा, लेकिन मेरिट जो बनेगी वो 120 नंबर में बनेगी। यहाँ पर 30 नंबर क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें हिंदी 10 नंबर, इंग्लिश 10 नंबर और 10 नंबर एक रीजनल लैंग्वेज होगी, वो रीजनल लैंग्वेज अलग अलग होगी। अब यहाँ पर 10 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे 120 में वो रीजनिंग एबिलिटी के होंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर 80 होगी। यानी पीजीटी और टीजीटी दोनों में ही सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो 80 होंगे। और यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन जो रखा गया है वो 3 घंटे का रखा गया है। ध्यान देने की बात है कि पहले एनपीएस में पीजीटी और टीजीटी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम का रखा गया था वो 2.5 घंटे का था, लेकिन इस बार उन्होंने आधे घंटे का टाइम बढ़ा दिया है और अब कुल मिलाकर यहाँ पर 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फीस को लेकर, तो प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए फीस देनी पड़ेगी आपको 2,000, पीजीटी के लिए जो निर्धारित की गई है फीस वो है 1,800 रुपये, टीजीटी के लिए या अन्य मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स के लिए 1,500 रुपये है। तो यहाँ पर फीस ऑब्वियसली थोड़ी ज़्यादा ही है, लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो फीस तो इतनी देनी पड़ेगी। अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो पेपर होगा वो आपका रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू है, लेकिन लाइब्रेरियन के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, यानी लाइब्रेरियन को छोड़कर सभी में रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 2 जुलाई से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और 22 जुलाई तक ये लास्ट डेट रखी गई है। इस तरीके से यहाँ पर एनवीएस के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे सब्जेक्ट रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप टीचिंग रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।